मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने ऐसे एमपी को चुनिए, डॉक्टर साहब को चुनिए जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए, एक हार्ड वर्किंग इंसान है, पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी सच्चाई से काम करते हैं, आपकी डेवलपमेंट के लिए काम किए, उन्हीं को चुनिए, उन्हीं को भारी वोट देकर बड़ी संख्या से उनको विजय कराइए। बिकॉज एक ऐसे इंसान जिन्होंने दिल से आप लोगों की उन्नति के लिए काम किया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको एक और बार विजय बनाएं और इस स्टेट की आगे तरक्की कराएं। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम शुरू होने जा रहा है, जिसका कार्य शुरू हो चुका है जम्मू में, क्रिकेटिंग स्टेडियम, और मैं ये देखना चाहता हूं कि जब मैं अगले 5 साल में जब फिर से बीजेपी की सरकार आए, तो जो आईपीएल के मैचेस हैं, जो बाकी सारे स्टेट्स में होते हैं, आईपीएल के मैच भी जम्मू में हो। जैसे बाकी स्टेट्स में लोग आईपीएल का लाइव मैचेस देखते हैं, आपको भी वो मौका मिलना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने ये काम शुरू कर दिया है, एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। प्लस हम सब जानते हैं कि माँ देविका का कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस स्टेट में। डॉक्टर साहब ने उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसकी सफाई के लिए नमामि गंगे से 180 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं। जितना काम डॉक्टर साहब ने किया, डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि किसी और एमपी ने कभी भी इस स्टेट में इतना काम किया होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। एक सच्चे इंसान, एक सच्ची सरकार, तो ये हमारा फर्ज है। ये हमारी, मेरी आपसे विनती है कि एक सच्ची सरकार, एक सच्चे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से विजय कराइए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विजय कराइए, और एक ऐसे एमपी को चुनिए जो आपकी आगे उन्नति कर सके, आपके भविष्य की देखभाल कर सके। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि MiG-21 1960 का ओल्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है, और जबकि F-16 एक लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो अमेरिका भी भारत के सबूतों को नहीं मान रहा है। हालांकि एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, अगर सबूत को मानता है तो अमेरिका की इसमें बेइज्जती होगी और रूस की एक प्रकार से जीत होगी, क्योंकि MiG-21 ओल्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट से F-16 गिरा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें अगर टॉयलेट वाला कमेंट पाकिस्तानी इंडियंस को लेकर करते हैं तो। धन्यवाद।